चैत्र नवरात्रि को लेकर देश भर में खूब धूमधाम देखने को मिल रही है। हर कोई माँ दुर्गा की उपासना कर अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है। इसी सिलसिले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी धर्म पत्नी सुमन सैनी के साथ पंचकुला में माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल और मंदिर पूजा स्थल बोर्ड के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य, स्वस्थ जीवन और प्रदेश की उन्नति की कामना की। वहीं उन्होंने मां भगवती का आशीर्वाद लेने के बाद हवन यज्ञ में भी आहुति डाली। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी मीडिया से भी मुखातिब हुए, जहां उन्होंने ईद के पर्व को लेकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने की बात कही। पूरे प्रदेश एवं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर माँ के नवरात्रे हैं, मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये हमारे संस्कृति का आधार हैं। नवरात्रे माँ के जब शुरू होते हैं तो एक नई ऊर्जा का भी संचार होता है, हमारी प्रकृति में भी नया संचार आता है और हमारी नई फसल भी हमारे घर पर दस्तक दे रही होती है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को ये माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सुख समृद्धि और एक विकास की जो गति है वो माँ प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए लेकर के आए, ऐसी मैं माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और इन ऐसे महापर्वों के अवसर के ऊपर हमें मिलजुल करके, क्योंकि हम सब ये एकता के ये प्रतीक महापर्व हैं, आज ईद का भी महापर्व है, उसकी भी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हम सब अपने इन महापर्वों को मिलजुल करके मनाएं, आपस में प्यार बांटें और एकता के सूत्र में रहते हुए इस भारत को एक विकसित भारत की तरफ ले जाने का हम संकल्प लें। मैं सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दें। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण के लिए इस लोकतंत्र के पर्व में हरियाणा की जनता से ज्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और इस महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की भी अपील की। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।